कौन है? अरे बदतमीज लड़की, इस मंदिर क्या कर रही है? निकल बाहर। गुंडे पड़े हैं अंकल, मेरे को बचा लीजिए। वो अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो मुझे मार देंगे अंकल। तो गुंडे कौन? गुंडे पता नहीं अंकल, कोई गुंडे हैं, वो मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे बचा लीजिए। ऐसा करो, चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ, जब तक मैं ना कहूँ हिलना मत, ठीक है? ठीक है। ओए क्या है, क्या है? हम इससे बात नहीं कर सकता? बूढ़े वाला है तो उसी औकात में बात कर। यहाँ पर एक लड़की आई थी, चुपचाप पता तूने देखा क्या उसे? अरे अरे मैं दो घंटे से काम कर रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं आया। अबे ओ तुम इससे बात कर वरना कनपट्टी के नीचे खींच के देंगे। और हाँ, दो घंटे से यहाँ पे काम कर रहा है, लड़की वहाँ से भाग के यहाँ पर आई है और तुझे नहीं पता? चुपचाप से बता लड़की कहाँ है। अरे खुद देखा है, वो लड़की इधर को गई है। अरे साहब सुबह से अब कोई नहीं आया है, एक मक्की तक नहीं बिनकी है यहाँ पर, और आप कह रहे हो कि यहाँ पर लड़की आई थी? लड़की आती तो दिखाई देती ना। बस बस बस, ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है। ये तो एक पार्क इतना बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ छुप गई होगी। तू ही दिखा बस पार्क में, इसलिए तेरे से पूछ रहे हैं। देख अगर वो लड़की दिखाई दे ना तो तुरंत हमें बताना, हम इसी पार्क में। बात यह कि वो मेरा वॉलेट चोरी करके भाग गई है। अरे चोर है एक नंबर की वो, और पता है उसमें बहुत सारे पैसे थे, माँ की दवाइयाँ लेके आनी है मेरे को। समझ में नहीं आ रहा कि पैसे नहीं मिले तो सब कुछ रुक जाएगा। देखो भाई अगर दिखे तो हम ही आसपास है, तो प्लीज बताना, ठीक है? साहब एक बार वो बगल वाले पार्क में जाके देख लो, शायद उधर गई हो। हाँ ये पार्क कनेक्टेड भी है, शायद वहाँ भाग गई हो। हाँ ठीक है, हम यहाँ पर आती तो मैं हूँ ना, मैं बता दूंगा आपको। चलो चलो, पागल हो गया हो क्या? आराम से बात किया करो, उन्हें शक हो जाएगा वरना उन्हें। अरे भाई आपसे बदतमीजी कर रहा था, लपेट से दस पोविंच। अरे आपने बताया क्यों नहीं? आप उनका वॉलेट चोरी करके भागे हो, पैसे चोरी करके भागे हो। नहीं मैंने उनका कोई वॉलेट चोरी नहीं किया, वो झूठ बोल रहे हैं। वो मेरा किडनैप करना चाहते हैं और वो मेरे पापा से बहुत पैसे मांगेंगे और मुझे मार डालेंगे उसके लिए। क्या करूं मैं? देखो मैंने उनको गुमराह करके दूसरे वाले पार्क में भेज दिया है, इससे पहले कि वो दोबारा वापस आए। आप यहां से निकल जाओ, जाओ पुलिस के पास चले जाओ आप। देखो मैं नहीं बचा सकता आप, वो आपके साथ साथ मुझे भी मार डालेंगे। बेटा बेटा मरेगा तो तू अब भी, क्योंकि तूने ना बहुत बड़ी गलती कर दी इस लड़की को छुपा के। देखो देखो इस बेचारी ने कुछ नहीं आपका बिगाड़ा है, इसको छोड़ दो ना। इसने कोई पॉकेट वगैरह नहीं मारी, आपकी कोई पैसे नहीं चुराए, आप झूठ बोल रहे थे। हमने तेरे को पहले ही कहा था, अगर तूने देखा है तो बता दे। तो मुझे पता नहीं था ना ये छुपी हुई थी, इसमें हमने छुपी हुई थी। बस बस ताऊ जी, कितना झूठ बोलोगे? इस लड़की को जो तुम बचाने की कोशिश कर रहे थे ना, अब तुम उसमें नाकाम हो गए हो। अब ज्यादा ना सफाई देने की जरूरत नहीं है। देखो हमने इस लड़की को किडनैप करके ले जा रहे थे, ये ना बहुत अमीर खानदान की लड़की है, इसको किडनैप करेंगे तो अच्छा खासा इनाम मिलेगा। और हाँ बॉस ने स्पेशली डिमांडिंग की थी, इतनी मुश्किल से हमने इसको किडनैप किया, पता नहीं कैसे चकमा देके वहाँ से भाग गई। अब नहीं छोड़ेंगे इसको, बहुत भागने का शौक है ना, देख क्या हालत करता हूँ मैं तेरी। अब देखो साहब, हाँ रुक 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 भाई, मुझे बोलने तो पहले। बेटा तू अब मरने वाला है तो तेरे को ना अब सफाई देने की कोई जरूरत भी नहीं है, ये घंटा ना तेरा आखिरी घंटा रह गया है, तो आराम से सांस ले ले क्योंकि तू मरने वाला है। आखिरी घंटा इन लोगों ने, बेटा तुम्हारा चल रहा है। पुलिस, पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया पुलिस को, तुम लोगों को जानबूझकर मैंने दूसरे पार्क में भेजा था ताकि मैं कुछ सोच सकूं, लड़की को तो मैंने पहले ही देख लिया था। साहब अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, न तो ये लोग ना इसको किडनैपिंग करके मुझे मार के इसको किडनैपिंग करके ले जाते, बहुत बड़े शातिर किडनैपर हैं ये, छोड़ना नहीं साहब इसको। बेटा तुम लोगों को क्या लग रहा था, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी को किडनैप करोगे? हम लोग कुछ एक्शन नहीं लेंगे क्या? सर आपको ना कुछ गलतफहमी हुई है। अबे ओए गलतफहमी मुझको नहीं, अब तुम लोगों को होगी, थाने ले जाके तुम लोगों पर डंडे बजाऊंगा ना तो तुम लोगों की सारी गलतफहमी निकल जाएगी। चलो यहाँ से अब। सर सर देखिए हमने ना बहुत सारे पैसे कमाए ऐसे किडनैपिंग कर करके। देखो आप ना मुंह खोलो, तुझे कितने पैसे चाहिए? अबे कितने ही कमा लेता होगा तो इस पार्क में काम करके, मैं ना तेरा मुंह भर दूंगा। अरे 10 लाख रुपए तेरे को दे दूंगा, और सर आपको अगर 1 करोड़ 2 करोड़ जितने भी चाहिए ना आप बताइए, मैं आपको उतने पैसे दूंगा। तू मुझे रिश्वतखोर समझ रहा है? तुझे पता है मर्दी मैंने अपनी मेहनत से हासिल की है, ना कि किसी चापलूसी से। अब तुझे जो ना बेटा इतने डंडे लगाऊंगा तुझ पे, तू कभी बच नहीं पाएगा। चल यहां से सर। चल रानी नहीं।